हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंगो भरी दुनिया। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में पड़ने वाली सैफ्रन फील्ड्स को और बताएंगे कि असली केसर की पहचान कैसे करें। साथ ही साथ आपको ले चलेंगे बैट फैक्ट्री और एप्पल वैली। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम आ गए हैं पैम्पोर टाउन में, जो कि केसर की खेती के लिए फेमस है और ये पहलगाम जाते टाइम रास्ते में पड़ता है। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक केसर के खेत हैं। आगे जाकर केसर की शॉप है, तो वहाँ से हम केसर खरीदेंगे। यहाँ पे एकदम अलग ही खुशबू आ रही है केसर की। अभी हम आ गए हैं केसर की शॉप पर, तो चलिए देखते हैं कैसे मिलता है। जी भैया, दो तरह के केसर आते हैं ना? केसर में ना एक ही क्वालिटी होते हैं मैम जी, केसर में कोई दूसरी क्वालिटी होती ही नहीं है। जब भी आप जिंदगी में कहीं भी जाओगे ना, केसर खरीदे सर आपको कैसा पता चलेगा ये ऑरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसमें आप एक तिली को उठाओ, दांतों के लिए चबाओगे ना, हल्का सा कड़वा आएगा भाई ऑरिजिनल की। अच्छा अच्छा, ये ना जैसे इसमें ना ये कड़वापन क्यों आता है मैम जी, इसमें ना 17% कोरोसिन की मात्रा होती है। क्या, किस चीज की? कोरोसिन यानी पैरासिटामोल की मात्रा होती है इस चीज में। उसकी वजह से आपको ये कड़वा लगता है। जैसे आप कोई भी पैरासिटामोल टेबलेट खाते हैं वो खाने में पूरा कड़वा होता है, सेम इसमें भी वैसा ही होता है। 17% इसके उपयोग घर में कोई प्रेग्नेंट बहन भाभी होती है ना, उसको 3 महीने के बाद बच्चे में गोरापन आएगा, डिलीवरी ठीक से होती है, या ट्यूमर और माइग्रेन के लिए ना सबसे बेस्ट होता है। कॉस्टली क्यों मिलता है ये? एक्चुअली ना 165 फूल इकट्ठा करके पूरा निकलता है, 1 ग्राम केसर निकलता है। जैसे अगर आप अदरवाइज अदर मतलब जैसे वर्ल्ड की बात करोगे ना, खाली 3 जगह का केसर होता है। एक होता है ईरान का, स्पेन का, और पूरे हिंदुस्तान की पूरे कश्मीर की अगर आप बात करोगे ना, खाली यही 8 किलोमीटर के दायरे में इसकी खेती होती है, बाकी किसी जगह नहीं होता है। जैसे ईरान या स्पेन की अगर आप बात करोगे, उसमें वो पेस्टिसाइड खाद वाद डालते हैं, उनको क्वांटिटी ज्यादा निकलती है, उसकी वजह से वो सस्ता रहता है। जैसे आजकल बाजार में आता है ना, जैसे देवी ब्रांड का, नटराज का, एवरेस्ट का आता है, या बहुत सारे ब्रांड आते हैं केसर में, वो सिर्फ ईरान या स्पेन का होता है, वो अपना देसी नहीं होता। इसमें कोई पेस्टिसाइड कोई खाद वाद यूज नहीं होता है, ये नेचुरल होता है, जितना निकलेगा उतना नेचुरल। और इसको क्या करना है, घर जाके अगर मतलब जैसे इसको रखोगे ना सर, घर जाके इसको 12 साल से 20 साल तक रख सकते हैं। 12 साल से 20 साल तक इसको कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे केसर में ना इसमें आता है मतलब, इसमें बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, जैसे केसर का स्क्रबर हो गया, केसर का फेस वॉश हो गया, ये केसर का क्रीम है सर जी, और भी इसमें जैसे केसर का कहवा आप ले सकते हो। अच्छा अच्छा, वहाँ पे हमारे मतलब नाम पे बेचते हैं ना, बोलते हैं ये केसर है वो है, वो पूरा प्लास्टिक रहेगा। जी जी ठीक है। तुमने खा के देखा कैसा लगा? जैसे आपने एक तिली को लिया ना, या 2 तिली 3 तिली को आपने लिया सिटी किसको केसर को, इसको आपको पानी में डालना है, और इसको जैसे आपने पानी में डाल दिया, ये अपना कलर ना धीरे धीरे छोड़ता है। ठीक है, वो क्या होता है देखो मैं, लेकिन ये कलर उसी तरह ही रहेगा ना, मतलब कलर छूटेगा लेकिन इसका कलर नहीं वैसे देखो रहेगा। जैसे मैम जी ये जो वाला होता है ना, ये पति इसका 24 घंटे तक ना सेम रेड कलर का रहेगा 24 घंटे तक। जैसे 24 घंटे के बाद ना इसमें कलर चेंज होगा 24 घंटे के बाद। जैसे वो डुप्लीकेट केसर होता है ना, वो जैसे आपने पानी में डाल दिया ना, आपका कलर शुरू आना आ जाएगा। इसमें जैसे क्या होता है ना, जब इसमें मॉइस्चर नहीं चला जाएगा ना, तब तक अपना कलर नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे आगे इंसान का मुंह होता है ना, वैसे इसका भी होता है। ठीक है, और पीछे इसका टेल होता है, जब तक आगे और पीछे से देखो पूरा मॉइस्चर नहीं जाएगा, तब तक इसका कलर ठीक रखना है। ये भी इसकी पहचान, आप ये देख सकते हैं बहुत ही पतले पतले धागे जैसा ये केसर होता है, और भैया ने जैसे बताया आप वैसे ही केसर की ओरिजिनल केसर की पहचान कर सकते हैं। शॉप वाले भैया ने हम लोगों को कश्मीरी कहवा पिलाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। आप जाएं वहाँ पर तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इसमें कहवा में मिठास किस चीज की आ रही है? कहवा में चीनी पड़ा हुआ है? कहवा में चीनी होता है, अच्छा, अच्छा। होता है। जैसे आप ये जो रेगुलरली पियोगे ना, ये जैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, या छाती जुकाम से सामने देख सकते हैं लकड़ियां सूख रही हैं, इससे बैट मैन्युफैक्चर होता है। ये ब्रिज बहरा अनंतनाग में पड़ता है, यहाँ से इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बैट की सप्लाई होती है।
अब हम आ गए हैं एप्पल वैली, ये भी पहलगाम जाते टाइम रास्ते में ही पड़ता है और आप देख सकते हैं इसमें वाइट कलर के फूल आ गए हैं और मई जून में इसमें फ्रूटिंग होगी। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ का एप्पल जूस ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है और आप एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।